नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द HSSC अड्डा में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जो अपना हरियाणा राज्य के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं। HSSC का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें एक क्वेश्चन इनके ऊपर आता ही आता है। इसमें जो अपना HSSC का स्टेट का और HES का एग्ज़ाम रहेगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इसमें हमने आपके सामने जो मैप है हरियाणा का, उनकी लोकेशन के हिसाब से उसको लोकेट करके दर्शाएंगे आपको, ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए और आपको अच्छे से ध्यान रहे। और साथ साथ में जो उनकी उपलब्धियाँ आएंगी, उनके निक नेम आएंगे, उनको किस नाम से जाना जाता है, वो भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, इसमें स्टार्ट करते हैं, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। इसमें अपने आते हैं, सबसे पहले आते हैं राय बहादुर लाला मुरलीधर। ये आते हैं अपने राय बहादुर लाला मुरलीधर आते हैं। इन्होंने देखिए ये क्या था, इनको राय बहादुर और केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। ब्रिटिश सरकार थी जो, उन्होंने इनको उपाधि दी थी। और राय लाला बहादुर को, मुरलीधर को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। फिर आते हैं अपने, ये पलवल से थे, पलवल से। फिर आते हैं अपने रेवाड़ी से बनारसी दास, राव तुलाराम, बाबू दयाल शर्मा, ये आते हैं रेवाड़ी से। ठीक है, और रेवाड़ी का नाम हम आपको बता दें, रेवती के नाम पर पड़ा है। फिर आते हैं अपने रोहतक से आते हैं सर छोटू राम। छोटू राम का नाम सभी ने सुना होगा, ये छोटू राम है जो, इनको 1937 में सर की उपाधि प्राप्त हुई थी। सर की उपाधि 1937 में दी थी, और इन्होंने जो मार्केटिंग बोर्ड है अनाज की बिक्री के लिए, उसका गठन किया था। रोहतक से ही हैं भरत सिंह महान, कैप्टन लक्ष्मण दास, लाला सुल्तान सिंह, लाला दौलत राम गुप्त। देखिए जो लाला दौलत राम गुप्त है, रोहतक कांग्रेस कमेटी थी 1916 में, उसमें सहकारी मंत्री बने थे, सहकारी मंत्री रह चुके हैं 1916 में। ठीक है, बलदेव सिंह रोहतक से हैं सारे, भरत सिंह, पंडित नेकी राम शर्मा। देखिए पंडित नेकी राम शर्मा को आप जानते होंगे, रोहतक में इनके नाम से गवर्नमेंट कॉलेज भी है, पंडित नेकी राम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज पावर हाउस पे। और इनको के हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भिवानी से जो संदेश साप्ताहिक पत्र है वो निकाला था एक भिवानी से इन्होंने। फिर आता बदलू राम, लाला श्यामलाल, लाला चंद्रमान गुप्ता, ये थे अपने रोहतक से हैं सारे। फिर आते हैं झज्जर से हैं बाल मुकुंद गुप्त, पंडित श्री राम शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा को सभी जानते होंगे, जो अपने पहले मुख्यमंत्री बने थे, प्रथम मुख्यमंत्री वो हैं। और रोहतक में भी इनके नाम से जो मेडिकल कॉलेज है, PGI है, वो इन्हीं के नाम पर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम अपना। इसमें भिवानी से है राधा कृष्ण वर्मा। ऊपर चलते हैं और इसमें ऊपर आते हैं अपने, देखिए एक आता सोनीपत से चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का भी नाम सुना होगा आपने, इनकी जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, इनके नाम से ही है। फिर भी हिसार से हैं अपने चौधरी कृपाराम, वैद्य लेख राम, डॉक्टर रामजी लाल। देखिए जो ये वैद्य लेख राम है, इन्होंने जो वायसराय लॉर्ड इरविन थे उनकी ट्रेन में जो बम रखा था वो इन्होंने ही बनाया था, वैद्य लेख राम ने। जींद से है पंडित अमीलाल। ऊपर बढ़ते हैं आगे, कैथल से हैं लाला काकाराम ने जो 1919 में रॉयल एक्ट आया था उसके विरुद्ध हड़ताल करवाई थी इन्होंने, लाला काकाराम ने। सिरसा से हैं अपने चौधरी देवीलाल का नाम सुना ही होगा आपने। इन 1979 में केंद्रीय सरकार में उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और जब इनकी सरकार थी बलवंत राय तायल थे 1979-80 में, इनकी सरकार में वित्त मंत्री रहे थे। ठीक है, एक आता फिर बलराम लुधेश्वर, ये भी हिसार से हैं, स्वतंत्रता सेनानी और आज़ाद हिंद फौज में फौजी थे। फिर आते हैं अम्बाड़ा से आते हैं अपने लाला दुनीचंद, डॉक्टर नहारिया केसरी। देखिए जो स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का फैसला था हरियाणा सरकार ने 1981 में लिया गया था, ये 1981 में लिया था। ये थे कुछ महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हरियाणा राज्य प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, जो आपके जो हरियाणा के एग्ज़ाम होंगे उनके लिए महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी ऐसी जो एग्ज़ाम आएंगे उनकी अपडेट और करंट अफेयर है जो, और ये अपने GK हैं
इनकी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।